Assalamualaikum my beautiful people, I hope everybody is doing good and great. आज हम आए हैं जेलम की एक बहुत ही मज़ेदार सी लोकेशन पे जो कि है मामाज किचन। ये आपको मिल जाएगा सिविल लाइन पे, ठीक है, आपको रोड पे नज़र आ जाएगा, निराला मार्ट से साथ ही है। इतना ज़बरदस्त इनका इंटीरियर है माशाल्लाह, 10 out of 10। इन जहाँ हमने पिज़्ज़ा ट्राई किया, मैं और मेरी दोस्त, असल में वो फूड व्लॉगिंग करती है और मैं वैसे आपके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, तो हमने कहा चलो अपना शहर जेलम जिंदाबाद, तो हमने इसे डिस्कवर किया। यहाँ का इंटीरियर खास इतना पिक्चरस्क है, इतना आप फोटोजेनिक एरिया है माशाल्लाह, आप इसे विज़िट करें, आपकी इतनी आला पिक्चर्स आएंगी। अगर अच्छी पिक्चर्स ना आई तो पैसे मेरे से वापस दे लेना, ठीक है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर था और सिटिंग की मैं तब बात कर रही हूँ कि सिटिंग प्लान, वॉलपेपर, डेकोर बहुत आला हुआ था और इनकी कलर स्कीम बाहर से भी बड़ी ज़बरदस्त थी। अक्सर गुजरते हुए आप लोगों ने ये बाहर का एरिया ये आपने देखा होगा, इनके पास पिज़्ज़ा है, ठीक है, चिकन रैप्स हैं, शवरमा है, उसके बाद उनके मोल्टन लावा केक है, काफ़ी सारी वैरायटी थी फास्ट फूड में एंड एवरीथिंग वाज सुपर्ब। हमने इनका पिज़्ज़ा ट्राई किया जो कि बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। उस वक्त हम लोग मोमोज़ खा कर आए थे और हम लोग काफ़ी फुल थे, बट स्टिल हमने उस पिज़्ज़ा को बहुत इन्जॉय किया। ये देखें इनका ये नियॉन साइन भी उन्होंने यहाँ अपना लोगों से लगाया हुआ, और बड़े मज़े की बात है यहाँ पे फ़िश थी तो फ़िश टैंक था, बहुत अच्छा एक्वेरियम भी लग रहा था, बहुत खूबसूरती से ये बनाया हुआ है। लड़कियों को मोस्टली यही होता है आजकल, ज़रा होता है कि पिक्चर्स अच्छी आएँ, ऐसी लोकेशन हो जहाँ हम ज़रा टिप टॉप से लगे। तो मेरा तो मशवरा है भाई, ये KFC मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट करें, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करें। तो ये एक ज़बरदस्त प्लेस है जेलम में जहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं। और दूसरी मज़ेदार बात आपके लिए ये है कि मुझे इनकी हॉस्पिटैलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। यार अल्लाह पाक ने बहुत सारी कामयाबियाँ दें। हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, इन्होंने हमसे पूछा, मैं हाथ जोड़ी हूँ, आफिया क्या क्या कि प्लीज़ बस करो, कैमरे का फोकस कहीं और भी करो। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप व्लॉग्स बनाते हैं, तो हमने बताया जी। तो इन्होंने हमारे लिए मोल्टन लावा केक, हमने ऑर्डर नहीं था किया, इनका इतना बड़ा सखी दिल है, इन्होंने हमारे लिए मंगवाया। और उन्होंने उस पर मेरे चैनल का नाम डेली डायरी 755 और आफिया का जो अकाउंट था उसको भी आप लोग मेरी फ्रेंड के अकाउंट को फॉलो करें, AU Vlog, AU कैपिटल है, ठीक है। तो वो व्लॉग्स बनाती है, टिकटॉक पे फूड ब्लॉगिंग करती है, तो उन्होंने हमें एक एज अ सरप्राइज़ के तौर पे दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज तक हमने इतनी जगह पे मतलब ब्लॉगिंग किए गए हैं, पाकिस्तानियों की यही बात है कि जिंदा दिल हैं, तो अल्लाह पाक इन्हें बहुत सारी कामयाबियाँ दे। ये था वो खूबसूरत था मोल्टन लावा केक, जाके इन्हें विज़िट करें और मेरा रेफरेंस भी दीजिएगा, ये आपको 5% डिस्काउंट ज़रूर देंगे। हॉस्पिटैलिटी की बात है कि दिल पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का हमेशा से बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके दिल भी बहुत बड़े हैं, अल्लाह पाक बस सबके बिजनेसेस में उनको हलाल कमाइयाँ दें, उनको बहुत सारी बरकत दे। तो इस तरह के व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, ज़िंदगी को इन्जॉय करें, खाते पीते रहें, क्योंकि जब तक जान है तो फिर खाना पीना तो ज़रूरी है। अगर आप नहीं खाएंगे और डाइटिंग करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा फूड था, इसको इन्जॉय करें, मेरी तरफ से तो ये 100 out of 100 और 10 out of 10 है। और बस यहाँ पे हम दोबारा भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे क्योंकि बड़ी मज़ेदार फ्रेम्स और थीम बहुत ज़बरदस्त थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये औरत मोल्टन लावा केक ट्राई कर रही है, ऑल्दो मैं भी व्लॉगर हूँ, लेकिन इसने कहा जी मैंने ही पहले मोल्टन लावा जो है ना डिस्कवर करना है।